क्या जमाना आ गया है। एक ज़माना था जब मैंने आपको पसंद किया। मेरे माँ बाप कहते थे, संस्कारी लड़की है, घर की जिम्मेदारी संभालेगी और बस हमारी शादी पक्की हो गई। आजकल का तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ज़माना ही बदल गया है। हमारी बेटी में कोई कमी थोड़ी है। कहते हैं ना कि रिश्ता ऊपर वाला जोड़ता है, थोड़ा धीरज रखो। हमारी बेटी के लिए कोई राजकुमार ज़रूर होगा, आप चिंता क्यों करते हो? चिंता क्यों ना करूँ, लड़की का बाप हूँ। आजकल हर एक के रेट हो गए हैं, डॉक्टर के इतने, इंजीनियर के इतने, जैसे कोई हम लड़की की शादी नहीं, हम लड़के को खरीद रहे हैं। अच्छे संस्कार तो कोई चाहता ही नहीं, हर कोई चाहता है बहू कमा कर लाए। अब अपने बेटी के शौक ही देखो ऐसे है ना, देश की सेवा करना चाहती है। लेकिन अब भला कोई घरवाले अपने बहू को फौज में भर्ती करवाएंगे क्या? ये भी तो ज़िद्दी है, कहती है मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे सेना में भर्ती कराएगा। मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मैं तो इसके नखरे सहन कर लूंगा, पर पति करेगा क्या? दहेज के लिए मुंह खोलते हैं, जितनी औकात है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। फिर कहते हैं ये सब आपके बेटी के खुशी के लिए ही करते हैं। भला पैसा कब से खुशी देने लगा? मैंने तो माँ बाप की एक बात गांठ बांध ली थी कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब हमने जिंदगी की शुरुआत की थी तब हमारे पास क्या था? आपने एक एक तिनका जोड़कर ये आसियाना बनाया है। मुझे गर्व है आपने हमारे बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। वो जहाँ भी जाएगी घर को स्वर्ग बनाएगी। लेकिन आजकल लोगों को स्वर्ग नहीं लक्ष्मी चाहिए। बेटी की किस्मत जहाँ ले जाए हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। ये अंकिता, इसके विचार पहले से ही बहुत अच्छे थे। बिल्कुल बिंदास, बेधड़क बोलने वाली, ख्वाब भी बड़े बड़े। आप मिलना चाहोगे? कमाल है तेरा तो, एनडीए में सिलेक्शन पक्का हो गया। और अंकिता क्या प्लान है, शादी या करियर? ऑब्वियसली करियर, हु केयर्स। शादी ना बाबा ना, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे झेलने के लिए तो कोई राजकुमार चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में मुझे झेलने के लिए कोई पैदा भी हुआ है। तो आई विल बी सिंगल। वैसे ही मैं अपने पापा की बहुत लाडली हूँ, वो मेरे विल के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। और सबसे पहला प्यार मेरे लिए मेरा देश है। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा देशभक्त कोई है। ऐसे ही कन्विंस नहीं किया मैंने अपने पापा को। मैं लाइफ में वही करती हूँ जो मेरा मन करता है और मेरे पेरेंट्स भी उसके लिए सपोर्ट करते हैं। आई एम अ लकी गर्ल। और लाइफ में क्या चाहिए यार, देश के लिए नुछावर होना क्या कम बलिदान है? जो लोग मुझसे पूछते हैं तुमने देश के लिए क्या किया, मैं उनसे पूछती हूँ तुमने देश के लिए क्या किया। देखो इन जवानों का त्याग, देश प्रेम, भारत माता के लिए इनका बलिदान। तू बहुत लकी है यार अंकिता, तू जो चाहती है ना तुझे मिल जाता है। और एक हमें देखो, हम जो चाहते हैं हमें कुछ नहीं मिलता। मुँह खोलने से पहले ही ना अपोजिशन पार्टी आ जाती है और केस डिसमिस हो जाता है। तुम लोगों को फुर्सत ही कहाँ, देर रात तक लगे रहते हो फेसबुक व्हाट्सएप पर। तुम लोग क्या सुबह सुबह उठकर भक्ति करते हो? यही बोलते हो ना, अच्छी जॉब मिल जाए, एग्जाम्स में पास हो जाओ। जब काम होता है तभी देवी के पास हाथ चढ़ाने जाते हो। रोज झाड़ में पानी डालना चाहिए वरना झाड़ सूख जाता है। तुमको तो सिर्फ बॉयफ्रेंड चाहिए, सुबह उठाने के लिए, दोपहर में घर छोड़ने के लिए, शाम को घुमाने के लिए और रात को चैटिंग के लिए। चार चार बॉयफ्रेंड घुमाती हो, टाइम कहाँ है तुम्हारे पास भक्ति करने के लिए? देखो बहन, मेरी लाइफ का तो एक सिंपल फंड है, समस्या की जड़ को पकड़ो तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। और मैंने कहीं सुना है भगवान भावनाओं का भूखा होता है, और वैसे ही मेरी भावनाएं अच्छी हैं। तू बहुत अच्छा भाषण देती है, कुछ बने ना बने लेकिन नेता जरूर बनेगी। दिल्ली में मेरी पहुँच है, चाहे तो टिकट दिला दूँ? एक टिकट अपने बॉयफ्रेंड को दिलाना, मुझे बॉयफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मेरा कभी बॉयफ्रेंड था ना कभी होगा। बॉयफ्रेंड रहने के भी बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तुम बात कर रही हो तो किससे कर रही हो, कहाँ गई थी, मुझसे क्यों बात नहीं कर रही हो? लाइफ में फ्रीडम ही खत्म हो जाता है। वो जब चाहे तब रुलाए, वो चाहे तो हंसाए। लाइफ में एक एम होना चाहिए जिसको लेकर हम चले। शादी होनी होगी तब हो जाएगी, उसकी फिक्र अभी से क्यों करूं? ओए अंकिता, रहने दे, जब तुझे प्यार हो जाएगा ना तब देखना। ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो मेरे लिए बनाया होगा, उसके लिए अभी से क्यों चिंता करूं? लाचार, बेबस, डिपेंडेंट, ऐसी लाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पर खड़े होने वाली, ऐसी लाइफ बड़ी खूबसूरत बन जाती है। फिल्मी डायलॉग है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बॉयफ्रेंड की जरूरत होती है। अकेला रहो तो लोग पूछते हैं कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिंगल रहते हैं तो कोई वैल्यू नहीं रहती। बॉयफ्रेंड का होना जरूरी है। वैल्यू अच्छे काम की होनी चाहिए, शक्ल सूरत की नहीं। वो सुंदरता किस काम की जो 10 मिनट में चली जाए। इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, शक्ल सूरत का नहीं। जैसे बुक के कवर से अंदाजा नहीं लगा सकती कि बुक के अंदर क्या है। इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाला चाहिए, खुद के पैरों पर खड़े होने वाला। तुम लोग ये सब बातें नहीं समझोगे, यू नो आई एम वेरी डिफरेंट। यह है मेरा शहर, मेरा आर्मी बैकग्राउंड है। मैं छुट्टी पर घर आया हूँ, अब लाइफ में सेटल हो गया हूँ तो अपने लिए लड़कियाँ देख रहा हूँ। अंकिता से मिलने से पहले मैंने काफ़ी लड़कियाँ देखी पर कोई पसंद नहीं आई। आज मैं एक और लड़की देखने गया, चलिए उससे मिलाता हूँ आपको। जी आप शादी के बाद क्या करना चाहती हैं? जी जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लाइफ में कोई एम है? नहीं, बस आपसे शादी करना चाहती हूँ। अपने पैरों पर खड़े होने का क्या इरादा है? क्या, मैं तो अपने पैरों पर ही खड़ी हूँ। मेरा मतलब है जॉब का कुछ सोचा है? आप कमाओगे, खर्च करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। भगवान पर विश्वास है? हाँ, आप ही तो मेरे पति परमेश्वर है ना। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? हाँ हाँ, आता है ना मुझे खाना बनाना, कढ़ाई करना, मुझे सब मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है। तुम्हें क्या लगता है, लड़कियों को कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलना चाहिए? वो माँ कहती है लड़की तो घर की लक्ष्मी होती है, अगर बाहर चली जाए तो माँ भारत छिड़ जाए। बस खाना बनाने ही आता है। हाँ, आप बनाओगे मैं खाऊंगी, इतना तो कर सकते हैं ना आप मेरे लिए। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? सुनो, कल तुम्हें देखने के लिए लड़का आ रहा है, कल उसके सामने तुम सराफत से पेश आना, ज्यादा मुंह नहीं खोलना। लड़का अच्छे घर का है, जॉब करता है, इकलौता है, तुम वहाँ पर खुश रहोगी। अरे माँ, मैं तेरी बेटी हूँ, जिस घर में जाऊंगी खुश रहूंगी, जहाँ भी जाऊंगी खुशियाँ ही खुशियाँ बांटूंगी। वो लड़का बहुत किस्मत वाला जो मुझे देखने आ रहा है, वो मुझे पसंद करे ना करे, मुझे वो पसंद आना चाहिए। शादी का मामला ऐसे रिस्क थोड़ी ना ले सकते हैं। तो किसी साथ मुझे बांध देगी तो मैं बन जाऊंगी। जैसे वो अपने माँ बाप को इम्पोर्टेंस देता है, वैसे आपको और पापा को भी देना चाहिए। आपके संस्कारों की मर्यादा हमेशा बनाए रखूंगी। देख बेटी, लड़की के नाज नखरे माँ बाप ही सहन करते हैं, ससुराल वाले नहीं। तो वहाँ पर बर्तन साफ करने चूल्हा चौका ही करना पड़ता है। माँ, वो सब पुराने जमाने की बात थी, आजकल के माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके लड़के के लिए वैसी बहू लाए जो बहुत पढ़ी लिखी हो, 4 पैसे घर लाए। मुझे जवाब देती हो ठीक है, वहाँ पर जवाब नहीं देना। बेटा, सहन करना तो नारी का गहना होता है। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, लेकिन गलत बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सही गलत तू नहीं, तेरे ससुराल वाले तय करेंगे। पहली बात तो माँ, तुझे ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा जो तुझसे दहेज ना ले। और दूसरी बात, अगर वो अमीर हुआ तो वो मुझे जॉब नहीं करने देगा, आएगा मुझे देखेगा और चला जाएगा। क्या बात चल रही है माँ बेटी के बीच में? अरे पापा, देखो ना कितने लड़के आके देख के चले गए, फिर भी माँ बोल रही है कि तुझे कल एक और लड़का देखने आ रहा है। बेटा, रिश्ते तो आएंगे ही, और वैसे तो मैंने आपको पूरी छूट दे के रखी है, जो भी करूँगा आपके मर्जी से ही करूँगा। आई लव यू पापा। बेटा अमन, आपको आखिर कैसी लड़की चाहिए? कभी तो बोलता घरेलू चाहिए, कभी मॉडर्न चाहिए। ये आखिरी रिश्ता है, किसी रिश्तेदार ने कहा है कि अब अपने बराबरी के नहीं है, लेकिन अगर तुझे पसंद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में ही ना। मैं लड़की इसलिए देखना चाहता था कि मेरे जाने के बाद आप लोगों की सेवा कर सके। वैसे मुझको इतना जल्दी खूटे से बनने की इच्छा नहीं है। बेटा, अंकिता को मैं बुलाता हूँ, तब तक आप चाय पी लीजिए। और हाँ, अंकिता जरा खुले विचारों की लड़की है, कुछ बोल दे तो आप बुरा मत मानना, छोटा समझ कर हमें माफ कर देना। अंकिता, आप शादी के बाद क्या करना चाहती है? जी, मैं जॉब के लिए NDA ज्वाइन करना चाहती हूँ। लाइफ में कोई एम है? हाँ, देश की सेवा करना। अपने पैरों पर खड़े होने का क्या इरादा है? आप भले ही बड़े घर के होंगे, लेकिन मैं भी अपना जीवन देश को समर्पित करना चाहती हूँ। आपको पता है ना मेरी जॉब, मैं NDA में हूँ, के बावजूद भी आप मुझसे शादी करना चाहेगी? क्योंकि मेरी लाइफ भी अनसर्टेन है और मेरी जॉब भी अनसर्टेन है। सिक्योरिटी तो किसी की लाइफ की नहीं होती, फिर भी हम फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं।
और वैसे मैं एक बात बताऊँ, मुझे एनडीए वाला लड़का ही चाहिए था। उनकी बात ही कुछ और होती है, वो देश के लिए जीते हैं, उससे बड़े सम्मान की बात और क्या हो सकती है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जिसकी लाइफ टाइम क्लियर हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और दिल की साफ हो। वैसे पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे घर में। मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती, पर अगर आप परमिशन दें तो मैं शादी के बाद एनडीए ज्वाइन करना चाहूँगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम दोनों की खूब जमेगी। वैसे अगर मैं तुमको ना पसंद हूँ या तुम्हें और कोई पसंद है वैसा बता दो। वो क्या है, मैं तुम्हारे लिए एम्बेरसमेंट क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई हो तो बता दो। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। ठीक है, फिर आपका जो भी फैसला होगा बता देना। बेटा मुझे तुझसे कुछ बात कहनी है। भले ही तुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों के साथ होना चाहिए। तुझे अगर लड़की पसंद है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि उनसे कोई अपेक्षा मत रखना। अब तुम्हारी जीत के आगे हम क्या कह सकते हैं, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बेटा वो लड़की दो कपड़े में ही रवाना होगी। तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी से बहुत सारी अपेक्षाएं थी। आपकी माँ कहती है फसल तो एक ही बार काटनी है। देखिए पापा, आपको पता है ना आपका बेटा मिलिट्री में है, फिर भी वो लड़की हमारा घर संवारने के लिए आ रही है। आपका बेटा निकम्मा नहीं है कि जो आप उसका बाजार में भाव लगाए। आप उनसे उनकी बेटी मांग रहे हैं और अपने कलेजे के टुकड़े को सौंपना इतना आसान बात नहीं होता है। ज़माना बदल रहा है, आपको भी ज़माने के हिसाब से बदलना चाहिए। पापा वो लड़की इंडिपेंडेंट है और वो अपने घर को अच्छे से संभाल लेगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ड्यूटी पर जाने के बाद वो घर को अच्छे से संभाल लेगी। पैसों का क्या है पापा, हाथ का मैल है, एक जगह टिकता नहीं है। मिडिल क्लास की हुआ तो क्या हुआ पापा, वो हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी और एडजस्ट भी कर लेगी। समय का क्या भरोसा, आज समय अच्छा है कल खराब हो। अमीर घर की लड़की लाएंगे तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उसके नाज नखरे होंगे, पर ये हमारे घर में एडजस्ट कर लेगी, इसके इतने नाज नखरे नहीं होंगे। बेटा हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल के ज़माने की लड़कियों की तो बात मेरी समझ में ही नहीं आती। हाथ में बैग पकड़ लेती है और ऑफिस चली जाती है, ना चूल्हा चौका संभालती है। और एक बात याद रखना, जो लड़की पैसा कमाती है वो ना बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाती है, ना घर ढंग से चला सकती है, क्योंकि उसका ध्यान ना काम में होता है ना घर में होता है। फिर ऐसी शादी का क्या फ़ायदा, हम शादी भी तो इसलिए करते हैं कि वो हमारी सेवा करे। अमीर घर की होगी तो हमारे घर में एडजस्ट नहीं करेगी, क्या भरोसा वो हमको हमारे घर को संभाल सके। हमको हमारे घर में ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके और हमारे घर को स्वर्ग बना सके, ना कि नर्क। जब तुम्हारे पिताजी का रिश्ता हमारे लिए आया था, हमारे पिताजी ने भी बहुत लेन देन किया था। आज के ज़माने की होगी तो हो सकता है उसको चूल्हा चौका नहीं आए, पर हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती। आखिरकार मैंने अपने माँ पिताजी को अंकिता से शादी करने के लिए मना लिया और हमारी चट मंगनी और पट शादी हो गई। मैंने अंकिता को अपना जीवन साथी बनाया। मैं तो आया रे, टोली बारात
क्या होता है, एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। इतने बड़े घर को संभालने की आदत नहीं है। आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको तो मुझसे भी सुंदर सुशील लड़की मिल सकती थी। वैसे भी आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो, तो किसी रईस लड़की से शादी कर लूँ। हम दोनों में समानता और असमानता दोनों। तुम में एक बात है कि तुम भक्ति करती हो, पूजा करती हो, और मैं ठहरा नास्तिक। बट हम दोनों में समानता भी है कि हम दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर मुझको तुम ही पसंद आए। मुझे भी आप पहली नज़र में पसंद आए थे, और सबसे अच्छी बात आपकी देशभक्ति। बस एक ही बात खटकती है कि आप इतने रईस घर से हैं और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा मेल मिलाप कैसे होगा? हमारे घर की रंग ढंग अलग है। डोंट वरी, मुझको पता है तुम कर लोगे। कर्मकांड की भाषा मुझको समझ में नहीं आती, बट हाँ, जो ये उसको करते हैं मैं उनको कभी रोकता भी नहीं हूँ और ना कभी रोकूंगा। अगर तुमको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं तुमको भी कभी मना नहीं करूँगा। मैं तो नास्तिक हूँ, जब तक मुझको खुद भगवान आके नहीं बोलते आई एम हियर, तब तक मैं उन पर विश्वास नहीं करता। आज तो कुछ बढ़िया न्यूज होंगी। क्या बात है पापा, कोई ब्रेकिंग न्यूज? ओह माय गॉड, फिर दो शहीद हो चुके हैं। सिर्फ मेरा एक बेटा था जो शहीद हो गया। अगर मेरे चार भी बेटे होते तो भी सेना में मैं उनको भर्ती करता। मेरा आज सीना 56 इंच चौड़ा हो गया है। और करंटली आपकी पोस्टिंग जो है ना, वहाँ पे तो आतंकवादी है। हाँ पापा, हम जिस गली में जाते हैं, कौन सी गली में हमको कोई आतंकवादी हमसे भिड़ जाए, हमको पता नहीं होता है। आतंकवादी और कोई नहीं, भूले भटके गुमराह लोग होते हैं। उनको माफ़ करना भगवान का काम है, और उनको भगवान से मिलाना हमारा काम है। माँ, मुझे अर्जेंट जाना है, मैं नहीं रुक सकता। क्या हुआ, कोई बात है बेटा? बेटा ठीक है, ड्यूटी फर्स्ट। बेटा आप चलो, देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप पैकिंग करो, मैं पैकिंग करने में आपकी मदद करता हूँ। मैं तो समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अंकिता को कैसे समझाऊँ? अंकिता पर क्या बीत रही होगी? देखो, अंकिता एक समझदार बहू है। उसको पहले से ही पता था कि जब उसने 7 फेरे लिए थे तभी था कि उसका पति आर्मी में है, और एक समझदार बहू है वो। उन्होंने हमारे दो जवानों को चोट पहुंचा दी है। दोनों जवानों को फर्स्ट एड दो और इवैक्यूएट करो, और सभी को बोलो कि आर्ट मजबूत करेंगे। और मिलिटेंट घर से निकल के बाई तरफ खेतों में भागे। और यार तुम पहले कोई अभी मंझे हुए खिलाड़ी हो, तुम तो नए बच्चे तो हो नहीं, पुलिस में तुम्हारा नाम है पहले से। गोलियों की दहाड़ से शहीदों की न्यूज़ें हम देख रहे हैं। भगवान क्या हो रहा है तेरी इस दुनिया में? अंकिता सुनो, कल मैं आ रहा हूँ, मुझे छुट्टी मिल गई है।
परसों तुम्हें हमारे साथ सत्संग में चलना है, चलोगे ना? आप मुझे जहाँ लेके जाएंगे वो जगह तो बहुत अच्छी होगी। वैसे ना हमारे घर के पास ब्रह्मा कुमारी का आश्रम तो था, पर पता नहीं क्यों कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ जाने। इसी बहाने मैं जाके देखना चाहती हूँ वहाँ पे होता क्या है, क्योंकि मैंने सुना है जो व्यक्ति एक बार वहाँ चले जाए वो वहीं का होके रह जाता है। दीदी ओम शांति, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और सुकून और शांति भी मिली, और हमें उम्मीद है कि आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें और हमारा उत्साह भी बढ़े। भगवान इस धरा पर आ चुके हैं और उनके ज्ञान को अपने जीवन में हमें धारण करना चाहिए, ताकि कहते हैं ना सन शोज फादर। देखो जैसे सूर्य एक है परंतु उसकी किरणें सर्वत्र है, ऐसे परमात्मा एक है और परमात्मा की जो सारी शक्तियाँ है वो सर्वत्र है। तो ऐसे वो पिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हमें ज्ञान की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। परमात्मा हमारे दुखों को कम नहीं करता है, क्योंकि ये तो कर्मों का हिसाब किताब है, परंतु अगर हम राजयोग के माध्यम से अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, शक्तियाँ अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उस परिस्थिति से लड़ने की हमें क्षमता प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसको हम आगे भी बताएंगे, और इसके एवज में कुछ देना नहीं है, परंतु पांच खोटे सिक्के जो है अर्थात पांच अवगुण है वो हमें भगवान को देना है, अर्पण करना है, वो मैं आगे के क्लास में आपको बताऊंगी। यह ज्ञान तो बहुत ही रोचक है, ऐसा ज्ञान मैंने कभी नहीं सुना। मुझे बड़ी उत्सुकता और रुचि हो रही है इस ज्ञान को और समझने की। मैं इसके लिए इनको भी लेकर आऊँगी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ पर कि यहाँ किसी भी तरह के जाप करने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी अखंड पाठ की। और दीदी आपने जितनी बातें बताई उन सब में से अच्छी बात है कि आपकी सारी बातें प्रैक्टिकल हैं, और सबसे सही बात यह है कि ज्ञान जीवन में ना उतारा जाए तो उसका क्या फ़ायदा। बहन जी आपकी बहू बहुत समझदार है, वो जल्दी इस ज्ञान को समझ लेगी, और आपको अमन को भी लाना चाहिए था। नहीं दीदी, उसको इच्छा तो बहुत थी आने की, लेकिन उसकी तबीयत खराब है। एक मिनट माँ, दरअसल दीदी बात क्या है ना कि ये भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, इन्होंने बचपन से लेकर आज तक कभी पूजा पाठ नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, वो अंधविश्वासी है, लेकिन वो किसी भी कर्मकांड के ऊपर विश्वास नहीं रखता। फिर भी एक बार तो बाबा के घर में आप जरूर लाइए उनको, ये तो बहुत अच्छी बात है। देश की सेवा के साथ साथ भगवान की भी सेवा करें, ताकि रूहानी सोल्जर भी बन जाए। भगवान का ज्ञान किसी विशिष्ट जाति धर्म वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है, और वो अपने जीवन में हर एक ने धारण करना चाहिए। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु उसका ज्ञान अवश्य सर्वव्यापी होना चाहिए, अर्थात भगवान के ज्ञान को हम सर्वव्यापी कहते हैं। परसों के दिन हमारे सेंटर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, अगर अमन चीफ गेस्ट बन करके आता है तो हमें बहुत खुशी होगी। बेटा एक रोचक बात सुनोगे, हम जिस सत्संग में जाते हैं ना वहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम कर्मकांड को नहीं मानते और वहाँ पे भी कोई कर्मकांड नहीं होता। वहाँ की इंचार्ज बहन ने एक प्रोग्राम रखा है और आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहते हैं। क्या पापा, आपको पता है ना मैं नास्तिक हूँ, फिर भी आप मुझको वहाँ लेके जाना चाहते हैं। आप उनको मेरी तरफ से धन्यवाद बोल दीजिएगा। आपको जाना है, आप जाके आओ, मुझे आधे अधूरे काम पसंद नहीं है। मैं करता हूँ तो पूरे काम अपने लगन से करता हूँ। सुनिए ना अमन, सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ देखकर डर सा लगता है, कहीं उन्होंने आपको आज कॉल कर लिया तो प्लीज़ आप मना कर देना। अभी साल भर भी तो नहीं हुआ है हमारी शादी को। देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर मेरे लिए मेरा पहला प्यार मेरा भारत देश है। आप भी तो और में ज्वाइन करना चाहती है ना, और फिर आप ऐसी कमज़ोर पड़ जाएगी, मुझको ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझको ऐसा लगा था कि आप एक बहुत मजबूत दिल वाली लड़की हो, पर आप इतनी कमज़ोर हो मुझे नहीं पता था। आप नहीं समझोगे, आखिर हूँ तो मैं एक औरत ही ना। वैसे भी आपके मेरी लाइफ में आने से ही मुझे समझ में आया है कि रिश्तों का भी कोई मोल होता है। यस सर, यस सर, या आई विल बी देयर। बेटा अमन तू जा रहा है, अभी तो अंकिता के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है, और तूने जाने की तैयारी कर ली तो ये फौज की नौकरी छोड़ दे। दोनों ने समय भी नहीं बिताया है साथ में,
तो इतने जल्दी तैयारी कर ले जाने की? क्या बोल रही है, तुझे तो पहले ही पता था कि तेरा बेटा फौज में है। रोकना था तो सेना में भर्ती होने के पहले ही रोक देना था उसे। भारत माँ उसे पुकार रही है। देखिए, जिस मिट्टी में हम पल रहे हैं, जिस मिट्टी का खा रहे हैं, जिस मिट्टी में हम सांस ले रहे हैं, उसके प्रति भी तो कोई फर्ज बनता है ना उसका। लाखों करोड़ों में चुनती है भारत माता ऐसे सपूतों को, उसको हंसते हंसते विदा करने के बजाय रोके विदा कर रही है उसे। एक एक को चुन चुन के मारना, और तुझे मेरा आशीर्वाद है। जीते रहो बेटा। चलो अंकिता, अपना ख्याल रखना, आता हूँ। से फिर कॉन्ट्रैक्ट साबित किया गया और बहादुरी से दोनों मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। 4-4 अल्फा मेरे को मिलिटेंट सामने दिख रहा है, सबको बोलो जाने खेत में फायर करेंगे। और इस ऑपरेशन की कामयाबी का श्रेय फौज के बहादुर जवानों को जाता है, जिन्होंने ना तो सिर्फ खूंखार मिलिटेंट को ढेर किया परंतु सिविलियंस को भी कम से कम नुकसान पहुंचाने का मादा हासिल किया। भाई फोन उठा लो। सर मेरा नहीं, आपका फोन बज रहा है। ओह हाँ, वाह मैं नहीं आ सकता, दरअसल मेरी पोस्टिंग हुई है दूसरी जगह, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। सब ठीक है ना? मैं नहीं आ सकता, मुझे एक भाई साहब को एयरपोर्ट छोड़ के आना है। कोई प्रॉब्लम? सर मेरे बीबी को बच्चा होने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दूसरी कैब करके चला जाऊँगा। मेरी बीबी स्कूल में टीचर है, वहाँ हमेशा वो बच्चों के साथ रहती है, वहाँ उसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे जने हैं। पहले मैं आपको एयरपोर्ट पहुँचा दूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी अपनी वाइफ के पास होना चाहिए। सर आप देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे तो क्या मैं आपको थोड़ा समय नहीं दे सकता? मेरी बीबी एक्सपेक्टेड है, मुझसे ही पूछ लो बीबी को मोरल सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है। मैं यहाँ उनको फोन फिर से ही सपोर्ट कर पा रहा हूँ। बेटा मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, अभी अभी माँ का फोन आया था, हमारे घर में एक कुलदीपक पैदा हुआ है। ये मैं पापा बन गया। यस, मैं आज सबको रेजिमेंट में मिठाई बांटूंगा कि मुझको लड़का हुआ है, सबको खुशखबरी सुनाऊंगा। वो मेरे जैसे ही देशभक्त बनेगा और देश की सेवा करेगा और आर्मी ज्वाइन करेगा। सर मैं टैक्सी ड्राइवर बोल रहा हूँ। ओ बोलिए। मुझे बेटी हुई है। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ मुझको भी बेटा हुआ है। सर मैंने आपको फ़ोन इसलिए नहीं किया था, दरअसल आपका एक सामान मेरे गाड़ी में छूटा है। भूला नहीं हूँ, अपने बीवी और बच्चे के पास खाली हाथ तो नहीं जाओगे ना? मैं तो नहीं जा सका, कम से कम मैं तुम्हारी खुशी में शामिल तो हो जाऊंगा। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। पापा मैं कल घर आ रहा हूँ, लेने आ जाना। क्या बात है, आज तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। सुनिए ना,
आकाश पास में बैठा है, उससे बात करोगे? ले बेटा बात कर। हेलो पापा, कल ना मेरी पेरेंट्स मीटिंग है, क्या आप कल आओगे? पापा बहुत जल्द आने वाले आपसे मिलने। आपने पिछले साल भी ऐसे ही कहा था और नहीं आए थे, पक्का प्रॉमिस? इस बार पेरेंट्स मीटिंग में मैं जरूर आऊंगा, पक्का प्रॉमिस। तुम्हें अपने फ्रेंड्स को बताओ। अंकिता सुनो, कल मैं आ रहा हूँ, मुझे छुट्टी मिल गई है। अच्छा सुनिए, मैं रख रही हूँ, मम्मा बुला रही है, रात में बात करेंगे, बाय। बहुत साल बाद तुम्हारे पापा आ रहे हैं। इस बार वो आएंगे ना, कहीं जाने ही नहीं दूंगी, बहुत सताया है उन्होंने मुझे। बताया आज पापा की पसंद की सारी चीज़ें बनी है, गाजर का हलवा बना है, पनीर की सब्जी बनी है और बहुत सारे 56 भोग बने पापा के लिए। कितने भी फोन आए जाने ही नहीं दूंगी। मैं आज अपने सारे फ्रेंड्स को बोलूं क्या मेरे पापा घर आ रहे हैं? हाँ हाँ जरूर बोलो, सब फ्रेंड्स को बता दो। आकाश को गले लगाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। 56 भोग तो बनाए हैं, कुछ रह तो नहीं गया? मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं, क्या तू बोलता है क्या तेरे पापा आ गए पर वो आते ही नहीं है। लगता है वो आ गए। दादी पापा आ गए। आप आ गए, बेटे को नहीं लाए? पता नहीं क्यों नहीं आया, और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, शायद फ्लाइट में मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं ना। क्या हुआ? जब फ्लाइट से उतरेगा तब वो करेगा फोन मुझे, फिर जाऊंगा लेने उसको। अरे मुझे भूख लगी थी, आपने तो 56 भोग अमन के लिए बनाए है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, थोड़ा हमें भी तो दे दीजिए। अमन के साथ नहीं खाओगे क्या? अमन के साथ भी खा लूंगा थोड़ा। रुक नहीं सकते थे कुछ देर? इतने सालों बाद बेटा आ रहा है, बेटे के साथ नाश्ता करते? थोड़ा सा तो मेरा ख्याल रखो। ठीक है बहू, दे दो, ये ऐसे नहीं मानेंगे। चल बहू मुझे भी कुछ दे दे थोड़ा। दादी मैं टीवी देखूं? नहीं पहले ये बंदूक छोड़ो। क्यों, मुझे भी तो पापा समान सोल्जर बनना है। तू भी पापा जैसा सोल्जर बनेगा, पापा का बेटा। सूत्र के अनुसार पता चला है कि कल रात पुंछ सेक्टर में भारी गोलीबारी हुई, अचानक आतंकवादियों ने हमला किया। मैं पापा के जैसे सारे दुश्मनों को मारूंगा। जवाबी कार्रवाई में हमारे 4 जवान शहीद हुए। आज अमन वर्मा कुछ सालों बाद घर लौटने वाले थे। अरे वाह दादी, दादी दादाजी मम्मी देखो पापा टीवी पर आ रहे हैं। आज ही सुनते हो, देखो तुम्हारा बेटा टीवी पे है, जरूर कोई अच्छा कारनामा किया। बेटी बहू आ भी, तुम भी आ जाओ। मेरा बेटा बड़ा कारनामा करेगा, अब मैं जाऊंगा शान से उसको लेने के लिए। अमन वर्मा वीरगति को प्राप्त हुए। अमन बेटा शहीद हुआ है, आपको कैसे लग रहा है? आपको कितने बेटे थे? इसके बाद आप क्या करूंगी, क्या सोचा है आपने इसके बाद? आप एक माँ की शहादत को नहीं समझ सकते। सुना है आपका बेटा बहुत साल बाद घर आने वाला था? शहीद होने पर आपको आपके बेटे पर गर्व है? सुना ज्यादा साल नहीं हुए थे आपके बेटे की शादी को? क्या आप अपने पोते को भी आर्मी में भर्ती कराओगे? देखिए अगर मेरे 10 भी बेटे होते तो मैं उनको आर्मी में भर्ती कर देता। उठो बहू उठो, संभालो अपने आप को, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, तुम एक शहीद की बीवी हो। दादू सब क्यों रो रहे हैं? बेटा आपको तारे बहुत पसंद है ना? मालूम है ना, आत्मा एक शरीर छोड़ती दूसरा धारण करती,
तुझे ज्ञान भी तो सुना हुआ है ना तुमने कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक घर से शरीर छोड़ने के बाद दूसरे घर में जाती है, और जब ऐसे अकाले जाते हैं तो आत्मा भटकती रहती है। उसको शांति का दान हमको देना होगा, क्योंकि उसकी भी तो कोई तमन्ना रही होगी ना। तो अभी हमें शिव बाबा को याद करना है आपको, और उसको शांति के वाइब्रेशन देना है। जितना तुम दुखी होएगी उतना वो आत्मा दुखी रहेगी। फिर क्या उसको दुखी देखना पसंद करोगी? पसंद करोगी नहीं ना, क्योंकि आपको उससे प्यार है, स्नेह है। तो उनका उसका जो दूसरा जन्म हो वो भी अच्छे घर में हो, क्योंकि ये जो समय है उसका इस जन्म से उस जन्म में ट्रांसफर होने का समय है। जैसे तुम वाइब्रेशन दोगी वैसा उसको जन्म मिलेगा। इसीलिए उस आत्मा को कोई दुख न हो, इधर का खिंचाव न हो। इसीलिए तुम्हें ऐसे शक्तिशाली शक्ति के वाइब्रेशन देने होंगे, क्योंकि आगे की उसकी यात्रा सुखद हो ये हमको लक्ष्य होना चाहिए। यही तो सच्चा प्यार है जन्म जन्म का, ठीक है ना? अभी इसके आगे रोना नहीं। ओम शांति। अभी हम सब मिलकर अमन की आत्मा की शांति के लिए बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। सभी बाबा के पास पहुंचकर ये अनुभव करेंगे कि बाबा ने अमन की आत्मा को वतन में इमर्ज किया है, और हम सब मिलकर भोग स्वीकार करा रहे हैं। अभी हम सब बाबा की याद में बैठे। प्यारी से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त। दीदी आज ना अंकिता का फोन आया था, आपसे मिलना चाह रही। ठीक है, बुला लो उसे, आज टाइम है मुझे मिलने के लिए। अंकिता आ गई, तुम्हारी बात चल रही थी। दीदी मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार थी, अब आपको क्या बताऊं? क्या हुआ अंकिता? इस समय तुम्हें आवश्यकता है शिव बाबा की याद की, शक्तियों की, सहन शक्ति की। अपने आप को संभालने की कोशिश करो। देखो तुम्हें एक राज की बात बताओ, मन का और आपका संबंध इतने समय का था, और जब वो गया तो किसी से सेवा तो नहीं ली उसने, और उसने अपना पार्ट बेखूबी से निभाया है। तो ये समय है उसको अच्छे वाइब्रेशन देने का। जिस स्थिति, जिस संकल्प या जिस परिस्थिति में आत्मा शरीर छोड़ती है वैसे घर में वो जन्म लेती है। तुम उसको शिव बाबा की याद में अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देंगी तो उसको अच्छा शरीर भी मिलेगा, और साथ साथ उस आत्मा को शांति भी मिलेगी। अब इसके लिए तुम्हें रोज एक अभ्यास करना होगा। रोज 15 मिनट अमन को शिव बाबा की याद के शक्तिशाली वाइब्रेशंस देना होगा। वो सब बातें तो ठीक है दीदी, लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आती है। वे हमेशा कहते थे कि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। वो ये भी कहते थे कि तुम किसी भी स्थिति परिस्थिति में खुद को संभाल लोगी। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब ये विकट स्थिति मेरी ज़िंदगी में आ गई है तो समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करूं। देखो अंकिता, तुम अगर मुझे अपनी अलौकिक माँ मानती हो तो मेरी एक बात मानेगी, पुरानी बातों को भूलने के लिए कुछ नया लक्ष्य देना पड़ता है, नया मोड़ देना पड़ता है। अगर मैं कहूँ तो आप अपने जीवन को एक नया लक्ष्य दो, नया मोड़ दो। अब अपने जीवन को खुलकर जियो। सच बताओ अंकिता, दिल की बात, कि मेरे मन में है कि तुम आर्मी ज्वाइन करो। शादी के पहले तुम्हारा सपना भी था कि तुम्हें एनडीए ज्वाइन करना है। दीदी अब आपने एनडीए की बात की है तो एक बात बताना चाहती थी कि इनके लिए सरकार ने कीर्ति चक्र की घोषणा की है। वाह, ये तो सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। अब मैं चाहती हूँ अंकिता कि जब तुम अवार्ड लेने जाओगी तो विधवा बन करके नहीं, परंतु एक आर्मी ऑफिसर की बीवी बन करके जाओ। पर दीदी आकाश तो अभी छोटा है, मैं उसे छोड़ के कैसे जाऊँ? और मुझे नहीं लगता कि मेरे मम्मी पापा राजी होंगे। आपने बात तो बहुत अच्छी कही, पर मेरे में ये हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मम्मी पापा को ये बोलूँ। देखो अंकिता, तुम उसकी चिंता मत करो, शिव बाबा बैठा है ना, और तुम्हारे मम्मी पापा को मैं समझा लूँगी, और हम सब है ना आकाश को संभालने के लिए।
अगर इस बात को आप मानती हो और अगर ऐसा आप करती हो तो हम सभी को बहुत गर्व होगा, और हमें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को ही नहीं, परंतु संपूर्ण नारी जाति के लिए बहुत गौरव होगा, और आप शिव शक्ति बनकर के शिव बाबा का नाम रोशन करेगी। अब ये सारी जिम्मेदारी, सारी फिक्रात शिव बाबा पर छोड़ दो और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाओ। वर्मा जी के घर की खबर सुनी हो? अभी अभी सुन के आ रही हूँ। अमन को गए हुए एक महीना भी नहीं हुआ, रात ठंडी भी नहीं हुई और बहू चली अफसर बनने। अब बताओ, अपने पति को भी खा गई, उल्टा उसके सास ससुर उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजे हैं। पता नहीं क्या काला जादू कर दिया है उसने। क्या यह उम्र है सास ससुर को अपने पोते को संभालने की? घोर कलयुग आ गया बिन घोर कलयुग। वर्मा जी बेचारे भोले भाले, उन्हें क्या पता था दुष्ट बहू को लेके आ गए, उनके बेटे को ही खा गई। शादीशुदा औरतें घर की चार दीवारों से बाहर नहीं जाती, और वह तो विधवा होकर चली आर्मी में। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर देना चाहिए। हमारे बहू बेटियों पर भी इसका असर पड़ेगा, वो भी कहेगी कि विधवा होने के बावजूद वो जॉब कर सकती है, हम क्यों ना करें, तो फिर हम किस किस का मुंह बंद करें। धूप में कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाओ बनकर धूप में कभी छाओ बनकर लहरों में कभी नाओ बन लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ 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 मेरे बाबा है साथ। अमन क्या बोल रहे थे तुम? क्या सेंटर क्या? लगते दीदी से अब मिलना ही पड़ेगा। थैंक यू दीदी, अगर आप नहीं होती ना तो मम्मी पापा मुझे कभी नहीं जाने देते ट्रेनिंग के लिए। आपकी और शिव बाबा की वजह से ही सब कुछ संभव है, नहीं तो मैं तो टूट चुकी थी। आज मैं जा रही हूँ, पैकिंग भी हो गई है। मैं शिव बाबा के कमरे में जाके उनको बोलकर आई हूँ कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो और जितनी भी आस आप लोगों ने मुझसे लगाई है वो मैं पूरी कर सकूँ। पर पता नहीं दीदी, आजकल बहुत अजीब सी घटनाएँ हो रही है, समझ में ही नहीं आता है क्या करूँ। ऐसा महसूस होता है कि अमन हमारे घर के आसपास ही है, गया ही नहीं है वो, शायद उसको मुक्ति ही नहीं मिली है। क्या ये संभव है? और दीदी कल ही की बात है, पापा को दूध देने गई तो उन्होंने बोला कि मैं तो दूध पी चुका हूँ। आकाश भी बहुत बहकी बहकी बातें करता है, बोलता है कि मैं पापा के साथ खेलने जा रहा हूँ। आज रात को मैंने ट्रांसलाइट जलाना भूल गई, आज सुबह उठ के देखा तो वो जली हुई थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मैं क्या करूं अब। मैं वैसे इग्नोर कर देती थी पर आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, पर अब सोचा कि आप जाने से पहले आपको ये बात एक बार क्लियर कर दूं कि इसका अगर सॉल्यूशन आपके पास होगा तो। जब तक आत्मा को शांति और तृप्ति नहीं मिलती है तब तक आत्मा को दूसरा जन्म नहीं मिलता, आत्मा भटकती रहती है। हो सकता है कि 7 दिन का कोर्स करने की उसकी इच्छा थी, वो उसकी इच्छा अधूरी रही, तो क्यों नहीं अभी आप अपने स्नेह को प्यार को परिवर्तन कर दो और 7 दिन का कोर्स उस आत्मा को कराओ,
ताकि हो सकता है कि वो आत्मा फिर से सेंटर के आजू बाजू ही कहीं जन्म ले। हाँ दीदी सही बात है, ये हो सकता है, क्योंकि जब भी हमारी बात होती थी वो मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे भी 7 दिनों का कोर्स करना है। ठीक है दीदी, मैं ट्रेनिंग के बाद आकर उन्हें ज़रूर कोर्स करवाऊंगी। रोज 10 मिनट अमन को आप बाबा की याद के, शांति के, शक्ति के आप रकम कर दो, हो सकता है कि उस दूसरा शरीर जल्दी मिल जाए। वर्मा जी ये हम क्या सुन रहे हैं, आपसे यही उम्मीद नहीं थी। आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं, यहाँ समझने की कोशिश नहीं कर रहा। आप बताएंगे मुझे आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? आप समझ करके भी दिखावा कर रहे हैं। हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं वर्मा जी, और दिखाने के कुछ अलग होते हैं। अब समझ में आया कि आप जानना क्या चाहते हैं? वर्मा जी एक विधवा जॉब कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर, हम किस किस को जॉब, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। हर एक बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बेटी के बारे में अच्छा सोचे और एक निर्णय ले। देखिए भाई साहब, हमारी भी बहू बेटियां हैं, हमें भी उनको जवाब देना पड़ता है। समाज के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उस अनुसार चलना पड़ता है। अगर वो आपकी बहू नहीं है, बेटी है, तो आप उसकी दूसरी शादी कर दीजिए ना, वो देखेगी उसका क्या करना है। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, उसे आर्मी में ही भर्ती होना था। और आपको एक बात बता दूं, उसने शादी के पहले ही मुझे एक बात कही थी कि मुझे आर्मी में जाना है, और वो उन्हें इजाज़त दे दी, और मुझे गर्व है उस पर। और आने वाले समय में वो हमारे सोसाइटी का भी नाम रोशन करेगी। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके समाज से उठी हुई लड़की एक इतना बड़ा कदम उठा रही है। माफ कीजिए भाई साहब, अगर एक विधवा घर के बाहर कदम रखती है तो उसका असर हमारे बहू बेटियों पर भी पड़ता है। आपको तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा उसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हो। आप बताइए, अगर आपके बेटी के साथ में ऐसा होता तो आप क्या कर रहे, उसको सपोर्ट करती या गिराते? बोलो, अब क्यों हो गई चुप? अगर आपकी बेटी अगर आगे बढ़ेगी तो सबको खुशी होगी या दुख होगा? धन्य है वर्मा कुमारी बहन जी जिन्होंने उसे इतना उत्साह और उमंग दिलाया। अगर वो आर्मी ऑफिसर बनती है तो आप ही लोग उसी की पीठ थपथपाओगे। आपको इस उम्र में ऐसी बातें शोभा नहीं देती, उल्टा आपको छोटों का उत्साह उमंग बढ़ाना चाहिए, ना कि दिल शिकस्त करना चाहिए। हर गली हर मोहल्ले में आज ब्रह्म कुमारी संस्था की जरूरत है। आज आपके सामने मैं एक प्रण कर रहा हूँ, मैं अपने घर में ब्रह्म कुमारी संस्था की एक शाखा खोलने जा रहा हूँ। सबको भी उसी में आना है, आप सबको भी राजयोग सीखने की जरूरत है। कल आप सभी राजयोग का अभ्यास करने अवश्य आए। बेटा आकाश, तुझे अच्छा लगता है ना बाबा के घर में? दीदी मुझे ना घर से ज्यादा यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ तू रोज आएगा? हाँ दीदी, मैं यहाँ रोज आऊंगा। दादा दादी तुझे कुछ बोलते तो नहीं है ना? पर मेरे दादा दादी मुझे रोज यहाँ आने नहीं देते, बोलते पढ़ाई कर। मम्मी की याद तो नहीं आती ना? मुझे मम्मी की याद नहीं आती, पर मेरे दादा दादी ना सोते समय ना मेरे पापा की याद करके रोते। कितना घर सुना सुना लग रहा है। जब से अपनी बेटी आर्मी ऑफिसर क्या बनने गई तो एक घर की रौनक ही चली गई। हाँ, अब तो यादें ही रह गई बेटे और बहू की। लेकिन ब्रह्म कुमारी प्रेमदा दीदी का हमारे जीवन में आना किसी चमत्कार से कम नहीं।
जिंदगी के इस मोड़ में अक्सर लोग बिखर जाते हैं, ता उम्र लग जाती है उनको संवारने में। हाँ भाग्यवान, अब सही कर रही हो। अपने घर गृहस्थ को अपन एक आश्रम बना दे और अंकिता को एक सरप्राइज दे। जी दीदी बिल्कुल, मैं अपने लक्ष्य को ध्यान में रखूंगी। दीदी बाबा का और आपका दिल से धन्यवाद। बेटा आकाश, दीदी को तंग तो नहीं करता ना? मम्मी, दीदी बहुत अच्छी है, मेरे को हर रोज नए नए प्रकार के स्वीट्स खाने को देती है। पढ़ाई तो ठीक से कर रहा है ना? तू यहाँ आएंगी तो मुझे सेंटर पे जाने देंगी ना? पक्का, प्रॉमिस। पक्का? मैं आऊंगी तो देखो रोज सेंटर लेके जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओम शांति। आपने बहुत पुण्य का काम किया है। आपने अपने घर में गीता पाठशाला खोली है। यहाँ जो भी आएंगे और ज्ञान लेंगे तो बाबा आपको पदम गुना करके इसका रिटर्न देगा, और इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप बाबा के राइट हैंड बन करके रहो। ये सब सारा दृश्य देख करके अमन की आत्मा को भी शांति मिलेगी और इसका रिटर्न बाबा आपको पदम गुना करके देगा। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी। अंकिता, जो दीदी ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। ना मैं परमात्मा को समझ पाया और ना ही परमात्मा के ज्ञान को। इस धरा पर शिव बाबा है, बट मैंने उन्हें पहचानने में गलती कर दी। प्रेमलता दीदी और तुम्हारा बहुत थैंक्स। मैं ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझे 7 दिन का कोर्स कराए, और अब मेरा 7 दिन का कोर्स हो चुका है। अब मुझे पुराने शरीर से मुक्ति मिल गई है और मैं नए शरीर में प्रवेश करने वाला हूँ, और मैं किसी ब्रह्म कुमारी सेंटर के पास ही जन्म लूँगा और शिव बाबा की दिल से सेवा करूँगा, और मैं निश्चिंत होकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ, और तुम भी हमेशा शिव बाबा की बन कर रहना। ओम शांति। आप सभी की योग भट्टी का कार्यक्रम हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और बाबा भी हम बच्चों को कहते कि बच्चे दिन प्रतिदिन अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ, और पुरुषार्थ के बढ़ाने के लिए एक ही बात है कि हमको अधिक से अधिक क्या करना है, योग करना है। लेफ्टिनेंट अंकिता वर्मा रिपोर्टिंग सर। अमन था ना, तो अमन के युगल है और बहुत बड़ी आर्मी ऑफिसर बनकर के हमारे पास आई है। आपको खुशी नहीं हुई? आप जोरदार तालियां बजाओ। तो आप अपना अनुभव शेयर करेगी? आप सभी का शुक्रिया। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपके और शिव बाबा की वजह से ही हूँ। जिंदगी का मकसद मुझे आपने दिया और ताकत शिव बाबा ने, राह आपने दिखाई और हौसला शिव बाबा ने, रास्ता आपने दिखाया और मंजिल तक शिव बाबा ने पहुँचाया। और हाँ दीदी, सबसे महत्वपूर्ण बात, अमन मेरे सपने में आया था और उसने मुझसे कहा कि वो अगले जन्म में बाबा का ज्ञान लेगा। और दीदी आप ना ही सिर्फ मेरी रोल मॉडल है बल्कि मेरे माँ बाप बहन भाई आप सब कुछ है। आप जैसी बहन हो तो जिंदगी का कायाकल्प हो जाए। और दीदी आपने मेरी परिवार को संभाला, आकाश को संभाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि आपने घर में गीता पाठशाला खोली है। बाबा पास हो मेरे संग संग
रहते सदा दीते ये एहसास हो आँखों के सामने हो ना हो मेरे दिल के बाबा पास हो आँखों के सामने हो ना हो युग युग के बिछड़े सदा दीते ये एहसास हो